जब कॉकटेल रिलीज हुई, ट्रेड में कुछ लोगों ने कहा कि बोल बच्चन का जो फर्स्ट वीक का एक्स्ट्रॉर्डिनरी रन था वो अब खत्म हो गया है बिकॉज कॉकटेल इतनी अच्छी फिल्म आ गई है। लेकिन कॉकटेल के साथ साथ बोल बच्चन भी बहुत ही अच्छा बिजनेस कर रही है। कहने का मतलब है कि दो बढ़िया फिल्म हो तो साथ में चल सकती है और यही हो रहा है। एंड ऑब्वियसली बोल बच्चन के पिलर्स जब इतने स्ट्रांग हैं तो कौन उस फिल्म को हिला सकता है। रोहित शेट्टी जैसा डायरेक्टर, अजय देवगन, अभिषेक बच्चन, कृष्णा अभिषेक, अर्चना पूरन सिंह, असरानी, नीरज वोरा जैसे एक्टर्स, ऐसे पिलर्स हो तो कौन हिला सकता है। यूनुस सजावल जैसे स्क्रीन प्ले राइटर, इतने बढ़िया स्क्रीन प्ले राइटर हो तो फिल्म को कौन हिला सकता है। एंड फरहाद साजिद जैसे डायलॉग राइटर्स, सच फंटास्टिक डायलॉग्स, तो ऐसी फिल्म को कौन हिला सकता है। तो दोस्तों आज हमारे साथ ऐसे ही एक पिलर है, फरहाद साजिद। प्लीज वेलकम देम, वेलकम टू ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस। थैंक यू। महारथी हो आप लोग? नहीं, फरहाद साजिद आपने अभी बोला, फरहाद साजिद। अभी आपने जो चीज बोली मुझे बहुत अच्छी लगी कि एक पिलर। यहाँ पे हम लोग जब भी किसी के पास जाते, अच्छा तुम लोग दो हो? नहीं, हम लोग एक पिलर। एग्जैक्टली। बट टेल मी, ये हिट के बाद हिट, हिट के बाद हिट आदत सी पड़ गई है? इतना इजी है क्या हिट देना? इजी नहीं है, ये ऑडियंस ऑडियंस करवा देती है हिट। ऑडियंस अभी इंटरव्यू के पहले हम लोग बैठे थे, हम लोग बात कर रहे थे, तो ऑडियंस के बारे में हम लोग सोच रहे थे कि एक्चुअली ये लोग बहुत दिलदार हो गए आजकल। हम लोग तो चलो हमारी मेहनत, हमारा टैलेंट जो भी जितना भी है हम लोग कर लेते हैं, बट ऑडियंस भी बहुत दिलदार है। क्या इंस्पायर करता है आप लोगों को ऐसी लाइनें लिखनी? ये बिल्कुल, ये प्यार, प्यार खोना नहीं चाहिए ना, बोलते हैं अगर प्यार में डूब जाओ तो प्यार को जाने मत देना चाहिए। करेक्ट। तो आप बोल रहे ऑडियंस का प्यार चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। और एक्चुअली हम लोग दोनों फैमिली ओरिएंटेड है एंड वी आर वेरी मच क्लोज टू आवर फादर, ही इज नो मोर नाउ। तो बोल बच्चन में एक डायलॉग है, मेरे पिताजी का करते थे कि कठिन परिश्रम ही सफलता की चाबी है, हार्ड वर्क इज द की होल टू सैक्सोफोन, जो अजय का। तो हम लोग का भी एक्चुअली वही मोटो, बस मेहनत करो, हार्ड वर्क करो एंड ऊपर वाला फिर उसका बोलते हैं ना छप्पर फाड़ के देना ही है उनको। पिताजी की बात चली तो पिताजी से क्या सीख ली आपने? वैल्यूज एंड आई थिंक सो। हम लोग हमेशा बात करते कि रोहित शेट्टी की पहली फिल्म जमीन थी, लेकिन हम दोनों का यही मोटो है कि आखिरी फिल्म तक हमारी हम बस जमीन से जुड़े रहे। और मैंने पहले भी बोला था कि हमारे लिए बहुत इजी, स्पेशली मेरे लिए तो बहुत इजी जमीन पे रहना। पहले भी बोला था वेट इतना है कि उड़ ही नहीं सकता, तो वो प्रॉब्लम ही नहीं है ना, कि यू ऑलवेज ग्राउंडेड। और ये जो अंग्रेजी, टूटी फूटी अंग्रेजी के डायलॉग्स, ये किसकी आइडिया थी और कितनी मेहनत करनी पड़ी है टूटी फूटी अंग्रेजी? बिफोर वी आंसर यू दिस, इसमें हमारी पोल खुल गई कि हम लोग बिल्कुल अनपढ़ गवार हैं, पहली बार। उसके बाद वो आंसर करे अवरद कि कैसे हुआ। एक्चुअली जब स्क्रीन प्ले लॉक हो गया तो वही एक मैटर था, रोहित सर ने भी बोला कि देख लो तुम लोग, क्योंकि हमको ह्यूमर तो छोड़ना नहीं है। तो अजय का कैसे है, तो हम लोग ने 2-2.5 महीना लिया डायलॉग्स लिखने का। हालांकि बीच बीच में रोहित शेट्टी थोड़ा पूछने भी लगे, क्या हो रहा है भाई, काम हो रहा है कि नहीं? सर काम हो रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है। बोला ठीक है भाई, कब सुना रहे हो। और हम लोग ने एक दिन फिर सिंगम, एक्चुअली तब सिंगम की शेड्यूलिंग चल रही थी, दैट टाइम वी नरेटेड बोल बच्चन, और तब स्ट्राइक हुआ हम लोग को कि क्या ऐसा लाए हम लोग, तो लेट्स गो विद दिस। तो जैसे कि वो लाइन लिखी हुई थी, मैं तुझे छठी का दूध याद दिला दूंगा, मैं बोला ये तो यार बहुत क्लीशे लाइन है, ये कहाँ चलने वाला है ये। तो फिर उसके साथ आई विल मेक यू रिमेम्बर मिल्क नंबर 6, तो 6 है नहीं, ये डाल देते कुछ भी हो जाए। क्या अगर वो लाइन से मिल्क नंबर 6 लाइन डालने से छक्का लग गया एक्चुअली। सो इट्स दैट, मतलब वो आइडिया आ गई कि चलो अभी ये अभी इंटरेस्टिंग होगा। बट वाज इट एक्सेप्टेड वेरी इजीली बाय रोहित शेट्टी एंड अजय देवगन? बिकॉज अजय देवगन का किरदार जो है पृथ्वीराज रघुवंशी, वो ये लाइंस कहता है कि कुछ रेजिस्टेंस था कि यार ये नहीं बनेगा, मतलब हाउ डिड इट इवॉल्व? नहीं देखिए, अगर आप कैरेक्टर को देखेंगे तो वो अखाड़े का पहलवान है, तो वो कैरेक्टर यानी कि ऑब्वियसली ये अगर ऐसे ही लैंग्वेज बोलेगा कि अनपढ़ है बेचारा, इंग्लिश खुद सोचता है कि आई एम वेरी जेन्यून, वेरी कॉन्फिडेंट, बट वो एक्चुअली बोलता है कुछ एकदम करेक्ट, तो इट गोज विद द कैरेक्टर वेरी वेल। एंड द फर्स्ट टाइम व्हेन वी नरेटेड, जैसे आपको अभी हमारी कितनी फिल्म्स हो गई रोहित के साथ, कितनी हो गई? 5-6 हो गए। तो ही इज द डायरेक्टर ना, जो सुनता है पहली बार, जो सुनता है ना वो लॉक होता है, फर्स्ट रिएक्शन वो बोलता है मेरा फर्स्ट, क्योंकि आप अगर स्क्रिप्ट 6 बार सुनोगे तो नेचुरली जोक्स टेल हो जाते हैं, आपके रिएक्शन कम हो जाता है नेचुरली। आज मैंने एक चीज बोली, आपको हंसी आई, वापस वही दोहराऊंगा तो कम हंसी आएगी, तो ही गोज विद द फर्स्ट रिएक्शन। तो फर्स्ट रिएक्शन वाज लाइक वो ऐसा,
तो उसने लॉक कर दिया. उसी तरह अजय देवगन, उसका बहुत सिंपल लॉजिक है, मैं हंसूंगा तो ऑडियंस हंसेगा. वो शायद उनकी एक, बट इट वाज अ शॉकर फॉर हिम. अरे क्या बोल रहा है, नेवर एक्सपेक्टेड दैट, क्योंकि वो डिस्कस ही नहीं हुआ था. तो फिर वो मतलब आप लोगों ने उसको एक्चुअली सरप्राइज के, तो देन ही मतलब रियलाइज किया दो ढाई महीने क्या चल रहा था, अच्छा कुछ पका. क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली क्या होता है, कोई भी स्क्रिप्ट कोई भी डायरेक्टर के साथ करो, अरे 10 सीन तो सुना दो, सुर पता चल जाएगा, सुर पता चल जाएगा. हम लोग हमेशा ये एक स्टैंड लिया, हम लोग नहीं सर, आप फर्स्ट सीन से लास्ट सीन पूरी फिल्म साथ में. अच्छा, ऐसे पीसमील? नहीं नहीं, कभी नहीं सुना सर. नहीं मजा आता क्योंकि कनेक्शन बहुत होता है. जैसे आपने फिल्म भी देखी होगी कि एक डायलॉग फॉर्मेट था उसमें कि ये कमीने की बात सुनी, आप तो दिखते हैं क्या, that thing we have used about use 4 to 5 times. So you know, you get the whole even system. The sentimental lines jo na Allah bura manega na bhagwan जो लाइन है उसको किस तरह से 3-4 जगह डिवाइड करके हमने फिल्म में रखा है. तो ऑब्वियसली व्हेन यू राइट इन अ फ्लो टिल द एंड, अब टुकड़ों में अगर लिखोगे तो वो बात बनेगी बनेगी नहीं. मुझे ये बताइए, जब आप लोगों के इतने कॉमिक डायलॉग्स होते हैं, हाउ डू यू ऑल गेज के, कभी कभी ऐसे होता है ना कि राइटर्स नरेशन दे रहे हैं, नई हंसी आती है तो भी थोड़ा हंस ले, थोड़ा गुड ह्यूमर में रखे ताकि बुरा नहीं लगे. हाउ डू यू गेज के जो सामने वाला है, चाहे वो रोहित शेट्टी हो, अजय देवगन हो, अभिषेक बच्चन हो, या कोई भी एक्स वाई जेड, यू नो, योर आपके असिस्टेंट डायरेक्टर्स हो, कैसे गेज करते हैं कि वाकई में हमने जो काम किया है स्पेशली कॉमेडी डायलॉग्स में, वो हंसी वाले डायलॉग्स हैं? सबसे पहली बात द प्लस पॉइंट, आल्सो लास्ट इंटरव्यू में हम लोग ने बोला, हम दो है ना वो बहुत काम आता है, बिकॉज वी आर वेरी क्रिटिकल अबाउट ईच अदर्स वर्क. जब काम करते हैं तो जब फरहाद मेरे को सुनाता है, मैं जब सुनता हूँ, आई लिसन एज ए ऑडियंस, नॉट एज अ ब्रदर, नॉट एज अ पार्टनर, एज नथिंग, तो मुझे हंसी आती है और मैं रिएक्ट करता हूँ. जिसमें हंसी नहीं आती, वी स्टार्ट डिस्कसिंग, तो दिस हेल्प्स अस अ लॉट. तो हम उस तरह से जाते कि अच्छा मुझे हंसी आ गई तो इंशाल्लाह उधर भी हंसी आने वाली है. तो वी गो विद दैट इंस्टिंक्ट कि ये वर्क होगा. आई थिंक सो, डायलॉग्स लिखने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है कैरेक्टराइजेशन. ऐसे ही अगर जोक्स पंचेस डाल दिए तो वो कभी भी दे विल नेवर स्टैंड. दे विल बी एसएमएस जोक्स, दैट्स इट. कि भाई एसएमएस में जोक्स दो बार असली है, रिपीट वैल्यू का भाई, सब कैरेक्टर होगा. ये कैरेक्टर पसंद आ गया, अजय देवगन का कैरेक्टर पृथ्वीराज पसंद आ गया, यानी खत्म बात. वो छठी का दूध बोले, मिल्क नंबर 6 बोले, लास्ट तक नॉट फेयर नॉट फेयर, मुझे काला बोला. तो ये सब पीपल हैव लव्ड राइट फ्रॉम G3 गोलमाल 3 में भी हर एक कैरेक्टर को के करीना कपूर गाली देगी, तुषार तो गूंगा है, अजय देवगन उंगलियां तोड़ेगा, उंगली तोड़. तो यू हैव दैट कैरेक्टर और फिर उस हिसाब से डायलॉग्स लिखे, तूने मेरी बहुत उंगली की, और फिर उंगली तोड़ता है. तो देन द डायलॉग्स, सो कैरेक्टर ऑलवेज हेल्प्स यू कोमल जी, बहुत जरूरी है कैरेक्टराइजेशन क्लियर हो. चेन्नई एक्सप्रेस की बात करते हैं, चेन्नई एक्सप्रेस की स्क्रिप्ट लॉक हो गई है कि अभी भी काम चल रहा है? पटरी पे है, फुल स्विंग, खत्म हो गया. अच्छा, चेन्नई एक्सप्रेस इज ऑन ट्रैक? ऑन ट्रैक और बिल्कुल एकदम एक्सप्रेस ही है. कब शुरू होने वाली है? आई फील सितंबर एंड तक विल बी रोलिंग. ऐसा इंडस्ट्री में कहा जाता है कि ये अब तक की रोहित शेट्टी की सबसे बेस्ट फिल्म होगी, आप लोगों का क्या सोचना है? इंशाल्लाह. नहीं, ऑन अ फेयर मुझे बताइए. I am so excited, and is it actually turning out to be great? Don't worry, आप immodest नहीं sound करेंगे, आप immodest. इसके मैं बार बार ये बोल रहा हूँ रोहित शेट्टी की, ताकि आप लोग comfortably बोल सके मुझे. Correct, ताकि वो grounded fit थोड़े से. हम लोग का एक tagline है रोहित शेट्टी और हमारी जो team है ना, कि the best is yet to come. हर फिल्म के बाद बस तो आपका जवाब यही है कि अगर चेन्नई एक्सप्रेस बेस्ट है तो उसके बाद भी द बेस्ट इज येट टू कम. एंड ऑफ कोर्स चेन्नई एक्सप्रेस इज वन ऑफ द फेवरेट स्क्रिप्ट. क्या यूएसपी क्या होगा उसका सर? क्या नहीं होगा सर? हालांकि रोहित शेट्टी सब कुछ देता है आपको, मसाला देता है पैक करके, फैंटास्टिक एम्पर देता है, वो कभी गिफ्ट नहीं देता, एम्पर देता है. बट आई फील दिस रोमांस विल बी अ न्यू तड़का इनटू दिस, क्योंकि हर फिल्म में आप रोहित शेट्टी में देखो तो रोमांस थोड़ा सा हिंट है, खाली हिंट होता है. बट आपको एक्टर ही शाहरुख खान मिला है कि वो जब फैलाता है तो रोमांस आता है. तो आई फील दैट इज गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक तड़का इनटू हिज पैकेज. तो आपके लिए भी ये कुछ नई बात होगी? वाज दिस अ न्यू एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर? No, difficult? नहीं, नॉट डिफिकल्ट. फ्लो कैरेक्टर वापस शाहरुख खान का जो कैरेक्टर है. हाँ, मगर कभी रोमांस या रोमांटिक लाइनें नहीं लिखी है तो थोड़ा But, अंदर से तो भर के है ना सर रोमांस. आई मीन काफी रोमांटिक हूँ, अभी तक 19 साल हो गए, मेरी वाइफ अभी तक कंप्लेन नहीं की है बात में. शी इज सेइंग आई एम वेरी रोमांटिक. आई डोंट नो इफ शी इज लाइंग, शी इज अ ग्रेट एक्टर. एंड फरहाद भाई की वाइफ क्या कहती है? सर वो तो अभी क्या बोलूं. उनके कारण ही तो हेयर बॉन्डिंग करवाया है. करेक्ट करेक्ट. तो अभी बस वही, लेट्स सी
क्या होता है, बट वो भी एक वो करेक्ट आप बोल रहे हो कि जो रोमांस का जो एक नया फ्लेवर हमको मिला, एक नया एक्सप्लोर करने का, कि जिस तरह से हम लोग ने एक्चुअली सेकंड हाफ जो फिल्म का है वो काफी रोमांटिक ट्रैक जाता है बिकॉज इट इन्वॉल्व्स बोथ द कैरेक्टर्स. और हिम्मत वाला मतलब साजिद खान के साथ अब आप एक फिल्म करने जा रहे हैं, ये कैसे हुआ? इट्स मैडनेस विथ इमोशंस अगेन, क्योंकि हिम्मत वाला की जो एसेंस है वो हम लोग ने छोड़ा नहीं है. जो पुरानी जो जितेंद्र साहब की और जो माँ का बदला, बहन की बेइज्जती, वो सब तो रखना ही है, बिल्कुल रखना, जो बहुत अच्छा है. एंड यहाँ पे किस तरह से अभी हम लोग ने मोल्ड किया है, क्योंकि अजय का कैरेक्टर उस तरह से हमको लिखना था. डेफिनेटली जितेंद्र साहब जो करते थे उस हिसाब से वी कांट थिंक ऑफ अजय डूइंग द सेम थिंग, बट उसको मोल्ड किया है क्योंकि वी आर वेरी कंफर्टेबल विद अजय. वी हैव वर्कड विद हिम 8 फिल्म्स नाउ. उनके प्लस पॉइंट्स अब तो बिल्कुल बाय हार्ट हो गए, तो वी ट्राई टू एक्सप्लोर हिज बेस्ट पॉइंट्स. और पुरानी हिम्मत वाला जो जितेंद्र साहब की थी उसमें सेट्स बहुत ऑस्टेंटेशियस थे और जितेंद्र और श्रीदेवी के डांसेस जो थे, तो अजय देवगन के भी डांसेस होंगे सर? होने चाहिए क्योंकि फराह खान हैज बीन साइंड एज कोरियोग्राफर एंड फराह खान नहीं छोड़ेगी उसको. एंड अजय नैनो में बाण के बाद जो दो चार झटके लिए, माइट सरप्राइज होने वाले, मटके वटके होने वाले, मटके तो होने वाले, कितने टूटते हैं कितने बचते हैं, तो मटके भी होंगे, लटके भी होंगे और झटके भी होंगे. फराद भाई और साजिद भाई, एक समय था जब आप लोगों के पास इतना काम नहीं था, ऑब्वियसली इट वॉज लाइक अ स्ट्रगल, और अब मेरे ख्याल से ऐसा टाइम आ गया है जहां पर आपको पिक एंड चूज करना पड़ता है, ये फिल्म नहीं, ये नहीं कर पाएंगे, टाइम नहीं है, वी आर बिजी विद दैट. शॉर्ट में मुझे उस पॉइंट से इस पॉइंट की जर्नी एक्सप्लेन कीजिए, राइट फ्रॉम द टाइम व्हेन यू एक्चुअली लिटरली हैड टू वंडर कि हमें काम मिलेगा या नहीं मिलेगा. हाँ, एक दौर आया था कि हमको डाउट आया था, बट अगेन एज यू सेड दैट टाइम आवर डैड वाज वेरी मच विद अस, द फैमिली बैक वाज देयर. तो वो लोग हमेशा जब भी हम लोग निराश होकर आते थे कि यार वहां से निकलवा गया यार, वो उसने नहीं सुना यार, उसने वो नहीं किया, दे वर ऑलवेज देयर, कीप फाइटिंग. एक्चुअली इंडस्ट्री का प्रॉब्लम क्या होता है, पहली मीटिंग बहुत पॉजिटिव होती है, सुन लेते ये करते, बट वो 10 चैनल से पास होता है, गाने ले लो जो हम लोग गाने पहले लिखते थे, फिर या तो डायलॉग स्क्रिप्ट. Correct. तो पहले 2-3 जो वर्जन होते, अरे अब तो ये करेंगे, अब तो वो करेंगे, तो ऐसे तो बेचारा एक जो स्ट्रगलर है वो सपने जोड़ लेता है कि अब तो ये होगा वो होगा, और जब वो टूटते ना तो वो सीधा दिल पे लग जाता है. यू स्टार्ट मेकिंग अ महल, राइट, यू स्टार्ट बिल्डिंग योर ड्रीम्स, कि अरे इन्होंने सुन लिया इतनी तारीफ की, बट देन आफ्टरवर्ड एज यू सेड फरहाद से, कि फिर सडनली होता है कि क्या? It's not that they are bad, but वो जो चैनलाइजेशन है कि अभी जैसे कि लिरिक्स अच्छे लग गए, अभी म्यूजिक डायरेक्टर को वो अपना कुछ गाना डालना है, किसी और का गाना डालना है, उनकी टीम है जो टीम वर्क होती है, टूटती है, तो वो कुछ पॉलिटिक्स नहीं कहूंगा, बट वो चैनल्स ऐसे है कि हमेशा हम लोग एक कगार पे आते थे, अरे हाँ अब होगा ब्रेक, अब मिलेगा ब्रेक, अब होगा, बट नहीं, फिर नहीं होता था तो हम लोग बहुत निराश हो जाते थे, दिल टूट जाता था, एंड वी आर वेरी इमोशनल. तो वो एक दिन हम लोग बैठे थे अराउंड 3 o'clock इन द मॉर्निंग, एक फुटपाथ पे बैठे थे, फिल्माले जब थी, अब तो फिल्माले की रहा है फ्लोर, तो आई वोंट नेम पर्सन, उन्होंने प्रॉमिस किया था और फिर बाद में बोला जस्ट आउट, वी डोंट वॉन्ट यू, तो वी वॉकड आउट, इट वॉज 2, अब बस बिल्कुल ऐसा ब्लंट, एंड अबाउट 2 in the morning और 2:30 वी वर एट द फुटपाथ आउटसाइड सिटिंग, एंड वी हैड कम फ्रॉम बैंगलोर, सो मैंने बोला फर्क चल निकल जाते यार, बहुत हो गया. And then we looked at each other. फिर वही रिस्पॉन्ड, नहीं यार, अरे यार रेपुटेशन का सवाल है यार, और फाइट करते, 6 महीने और टारगेट रखते. From there again we started. फिर ऐसे में घर जाते थे तब माहौल कैसा होता था? We were sad. They were very happy. Family was very happy. एक दिन भी वो लोग disappointed नहीं थे because they believed in our talent. ऐसे निकलेगा, एक दिन निकलेंगे आप लोग. मतलब आप जैसे सेल्फ पिटी करते थे, वो सेल्फ पिटी या सेल्फ सिंपथी में भी यकीन नहीं करते थे, आपको आपके साथ सिंपथाइज नहीं करते थे? बिल्कुल नहीं, सिंपथाइज करते ही नहीं थे, बोलते ठीक है ना, एक ने ना बोला और एक है और दूसरा है और तीसरा है, सो बिग इंडस्ट्री, कीप फाइटिंग. और शायद दिस इज द बेस्ट पॉइंट विच वर्क ऑन अस. कभी कभी होता है कि हम स्ट्रगल करने जाते हैं अकेले, माँ बाप को परेशान नहीं करें, हम बोलते हैं पहली बार हम लोग ने माँ बाप को परेशान किया, साथ में लेके साथ में स्ट्रगल किया, इसलिए आज हम सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ आवर पेरेंट्स, दोज वर द बिगेस्ट पिलर इन आवर लाइफ. जैसे आपने पिलर से शुरू किया था अपना शो, सो आई विल से दैट वे. और आज सडनली सब लोग बोलते हैं फरहाद साजिद हमारे बच्चे, सो इट इज द इंडस्ट्री. तो दे हैव बीन सच स्ट्रॉन्ग पिलर्स इन योर लाइफ, और आज जब आप लोग इतने सक्सेसफुल हैं, इतना नाम बना चुके हैं, योर नेम टुडे स्पेल्स सक्सेस, और आपके पिताजी अभी नहीं है ये सक्सेस एंजॉय करने के लिए, ये देखने के लिए कि उनके बेटे कहां पहुंच गए हैं, इट मस्ट बी रियली हर्टिंग. कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये लाइन बट ऐसा लग रहा है कि जो भी बारिश हो रही है हमारे ऊपर, या वही कर रहा है.
When did he pass away? Finally, 4 years, 5 years. And I think so, वहाँ से ही success हमारा actually देखने absolutely वो गए और उसके बाद अभी फ्राइडे को सैटरडे को हम लोग ने गेटी गैलेक्सी गए थे बोल बच्चन का वो देखने रिस्पॉन्स तब अभिषेक भी आया था रोहित शेट्टी भी आए थे सब देख रहे थे ये वो सो यू फील के शायद डैड पिताजी होते साथ में देखते बट द सेम थिंग अभी वो खत्म हुआ घर पे आए एक बड़ी फोटो है तो फोटो के सामने हम लोग दोनों बच्चे बात करते हैं उनके साथ कि आज यू इफ यू वर देयर बात ही कुछ और होती बट एब्सोल्युटली फिजिकलिटी तो मिस होती है एब्सोल्युटली He's with us, but he's not there. So it's like that. He's not there, but he's with. Yeah. Probably, जैसा आपने कहा कि वो ऊपर जाके अल्लाह से दुआ की बस बस और all the blessings were shared upon you. Absolutely. शायद इतना इतना talent नहीं है सर हम लोग थोड़ा तो चाहिए इतना तो नहीं होना चाहिए कि जितना दिया है audience ने definitely blessings बहुत जरूरी है talent के साथ Talented तो आप लोग हैं but yes, you cannot deny that without blessings और बड़ों की blessings के बिना कुछ भी possible नहीं होता है Talented बहुत लोग हैं कुछ लोगों को अगर blessings नहीं है तो काम नहीं होता You know, so that is very necessary और मुझे एक last में बात बताइए besides हिम्मत वाला चेन्नई एक्सप्रेस सिंघम 2 पर भी मेरे ख्याल से काम शुरू हो गया है अब your hands are full कि अभी भी चाहत है इच्छा है कि दो चार और फिल्में करें सर भूख तो नहीं मिटेगी बुक नहीं मिलती I've got a big appetite, very big appetite. तो वो तो नहीं जाने वाली है बट यस ऑफकोर्स ग्रेट प्रोजेक्ट इन हैंड सुपर बट स्टिल लॉट ऑफ वर्क टू बी डन सो मतलब फरहत की लाइन ना ये बेस्ट येट टू कम बेस्ट इज येट टू कम तो यू वुड बेंड बैकवर्ड्स मतलब सपोज वन और टू रियली गुड प्रोजेक्ट्स केम योर वे एंड योर हैंड्स आर फुल हाउ वुड यू कोप अप विद दैट आई थिंक सो एक ब्लेस्ड चीज ये हुई है कि वी आर वेरी फास्ट वेरी क्विक ओह वेरी नाइस तो ऑब्वियसली अगर कुछ है और सामने वाले को भी अगर हमारी जरूरत है तो वो भी टाइम उस तरह से देता कर ले फ्लेक्सिबल हो जाते हैं फॉर एग्जांपल नथिंग इज मतलब ऐसा कुछ नहीं है इस इंडस्ट्री में कि एडजस्ट नहीं हो सकता नहीं हो सकता ये हो सकता है आराम से हो सकता है अभी आप देखो सितंबर में एक्चुअली 4 फिल्में फ्लोर पे जा रही है हमारी हिम्मत वाला चेन्नई एक्सप्रेस संजय दत्त की एक सामी रीमेक हो रही है सामी जो तेलुगु फिल्म विक्रम की सुपर हिट हुई थी जो 8-9 साल इट्स अ कॉप स्टोरी समवॉट लाइक सिंघम अच्छा तो वो भी आप वो लिख रहे और सितंबर एंड में बॉस करके एक फिल्म स्टार्ट हो रही है अक्षय कुमार एंड उस तरह से हम लोग फ्लेक्सिबल है अभी जैसे हम लोग जब हिम्मत वाला और बॉस पे काम कर रहे थे तब आई थी ये सामी तो जब जैसे सामी है तो संजय दत्त और डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब बैठे थे और हम लोग ने क्लियर बोला सर कि हमारी ये दो फिल्म है तो हमको करीबन 4 से 5 महीना चाहिए सर आपका काम शुरू करने के लिए बट दे वॉन्टेड अस फ्लेक्सिबल हुए दे गेव अस टाइम अभी वो हिस्ट्री हो गया लॉक हो गया और एवरीथिंग इज एंड देन जब लॉक हो जाती है स्क्रिप्ट शूटिंग के दौरान आप लोगों को सेट पर रहना पड़ता है और इट्स नॉट अ necessity it is with rohit shetty wo to rohit shetty ke sath fix wo to family hai wo to family hai family unko bhi har shot har scene sath mein hamara consultation kis tarah se chal raha hai sur ke hisab se correct to wo to hai correct baki I think so pehle 10 din bahut important hote hain kyunki har character ka sur kis hisab se and when I narrate to obviously main thoda voice modulation ke sath background music ke sath sunata hu to wo baith jata hai director ke dimag mein maine suna hai aapka narration suna hai to set pe wo rehte hain nahi ye jo kya waisa kuch ho jaye to acha hai to us hisab se that's why the first 10 days I think so it's very important houseful mein bhi london mein schedule tha to hum log ne 10 din london gaye the houseful 2 houseful 2 but wahan pe sabke sur lag gaye the us hisab se to humne patli gali se india aa gaya patli gali mein flight fit ho gayi ha वेल फराद एंड साजिद इट वॉज ग्रेट टॉकिंग टू यू और आप लोग जो काम कर रहे हैं मुझे कहने की जरूरत नहीं कि बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं एंड मे यू ग्रो इन स्टैचर मे यू गेट मोर एंड मोर ग्लोरीज और जैसा आप लोगों ने कहा कि ऊपर वाले की दुआ है आपके अब्बा की दुआ है तो डेफिनेटली गुड टाइम्स विल कंटिन्यू एंड कंटिन्यू फॉर ऑल टाइम्स एंड आई जस्ट वॉन्ट टू बिफोर यू एंड द शो आई जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग ये हम शायद तीसरी बार आपके पास आए So when we come here, it's not like an interview or kind of this. I feel we take some blessings from you also. This we have felt it inside. के आप हमारे सब जब बात करते हो, it's not like a you know दिल, it's a connection. और definitely blessing मिलती है यहाँ से. तो ये हमारा स्वार्थ इधर होना. नहीं, it's वो ही है ना sir. Well wishes जब हमारे लिए wish करते, आप भी genuinely wish करते. Genuinely wish करते. आपने याद है मुझे SMS किया था film देखने के बाद रात को. और मुझे रात को 1:30 बजे वो message मिला और आपने बोला पहले गुत्थी सुना. अरे मैं बोला 1:30 बजे सर मैं उठा. You remember that? पक्का आगमार. यहाँ पे भी आके. पक्का आगमार. यहाँ पे भी आके हम लोग का our chest also has become blouse. हमारी छाती फूल गई है, चौड़ी हो गई है. Thank you, thank you so
सो मच एंड मे यू कंटिन्यू टू डू दिस गुड वर्क. मुझे आप लोग क्यों पसंद है, बिकॉज यू आर स्प्रेड सो मच जॉय. मुझे ऐसे लगता है कि जो भी अच्छी फिल्म बनाते हैं दे आर डूइंग अ ग्रेट डीड. दे आर डूइंग अ ग्रेट डीड बिकॉज फिल्मों से लोगों को जो मजा आता है वो तीन घंटे आप लोग हमको, हम सबको, ऑडियंस को एक अलग ही दुनिया में ट्रांसपोर्ट करते हैं. सो यू आर ब्लेस्ड. थैंक यू. तो दोस्तों ये थे फरहाद साजिद, और अगर आपने इनकी लेटेस्ट फिल्म बोल बच्चन नहीं देखी है, वेल सॉरी टू से यू आर मिसिंग समथिंग. अगर देखी है, येट आई विल से यू आर मिसिंग समथिंग बिकॉज इट हैज रिपीट वैल्यू. जाकर वापस देखिए, जस्ट फॉरगेट ऑल योर टेंशंस फॉर 2.5-3 hours बिकॉज इट्स अ ब्लास्ट. और इनकी जो लिखावट है, इन्होंने जो लिखा है, इनके जो डायलॉग्स हैं, दे आर सच वंडरफुल डायलॉग्स दैट दे ट्रांसपोर्ट यू टू अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर, जहां पर वरीज, टेंशंस, सब कुछ भूल जाते हैं आप, एंड यू जस्ट एंजॉय, सिट बैक एंड एंजॉय. दोस्तों आज के लिए बस इतना ही.